हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी 2024 एग्जाम। जी हाँ, बीएससी 2024 के एग्जाम में आने वाले यहाँ पर मैं आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों को बताया हुआ है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार चेक जरूर करें। और बता दूं गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप किसी भी टॉपिक को नॉलेज अड्डा के नाम से अगर यूट्यूब पर सर्च करते हो तो भी आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के काफ़ी सारे टॉपिक मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर वन हम लोग देख लेते हैं। अनुनाद क्या है, उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज रेजोनेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, कार्बोनियम आयन एवं कार्ब एन आयन, कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनियन आयन, है ना। सेकंड नंबर का है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। थर्ड नंबर का है नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन आता है, अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, तो इस टाइप से आप लोग तैयारी करना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अतिसंयुग्मन, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। सेकंड नंबर का है संकरण, ये जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरणिक प्रभाव एवं हकल के नियम को समझाइए। प्रेरणिक प्रभाव अलग क्वेश्चन है और हकल का नियम अलग क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड हकल्स रूल। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का, मुक्त मूलक की संरचना एवं स्थायित्व को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, विवरिम समावयवी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर डाइस्टेरियो आइसोमर्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। सो गाइज, ये है हमारे टोटल एक से लेकर के छह तक क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं गाइज, जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई हूँ आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं नोट्स के हेल्प से आप लोगों को मेरे चैनल में पढ़ाती हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स। अगर आप इस नोट्स को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो तो आप लोगों को मिल जाएंगे। या फिर अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे। या फिर मैं शॉर्ट्स में भी बहुत सारे पीडीएफ अपलोड करती हूँ, तो वहां पर भी आप लोग चेक जरूर करें। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, गिव शॉर्ट नोट्स ऑन ई एंड जेड समावयवी, जिसे हम लोग कहते हैं ई एंड जेड स्टीरियो आइसोमर्स। सेकंड नंबर का है एरिथ्रो एंड थ्रियो रूप, एरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए, आठवें नंबर का, रेसेमिक मिश्रण क्या होता है, मीसो यौगिक तथा रेसेमिक मिश्रण में क्या अंतर है। व्हाट इज द रेसेमिक मिक्सचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसेमिक मिक्सचर एंड मीसो कंपाउंड। नौवें नंबर का क्वेश्चन है, ज्यामिति समावयवता एवं किरलता को समझाइए। एक्सप्लेन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कायरेलिटी, है ना, किरेलिटी। दसवें नंबर का क्वेश्चन है, एपिमर एवं प्रतिबिंब रूप के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन एपिमर एंड एरेंसियोमर। तो ये हो गया हमारे टोटल क्वेश्चन 10। और बता दूं गाइस, अनसॉल्व्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बीच बीच से क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये चीज तैयारी करने के लिए आपको एक अनसॉल्व्ड होना जरूरी है। पिछले 4-5 सालों में पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो भी देख लेना। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ वो आप देखोगे, बट वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग देख लोगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोइल्केन बनाने की डिकमान चक्रीकरण विधि को समझाइए। एक्सप्लेन डिकमान साइक्लिजेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोइल्केन। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, बेयर तनाव सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, बनाना बंध क्या है, व्हाट इज बनाना बॉन्ड। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे 13 क्वेश्चन। और एक चीज और बता दूं गाइस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो या फिर आप मेरे चैनल से पढ़ाई करो तो वो सिलेबस अपना जरूर चेक कर लेना। थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे रहता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में होगा वही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए गाइस, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कोलबे की अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कोलबेस रिएक्शन। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, सेरजेफ नियम क्या है, व्हाट इज सेरजेफ रूल।
17वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुग्मित डायंस क्या है? संयुग्मित डायंस के 1-2 एवं 1-4 योग को समझाइए। व्हाट आर कंजुगेटेड डायंस? डिस्कस 1-2 एंड 1-4 एडिशन ऑफ कंजुगेटेड डायंस। तो ये हो गए हमारे टोटल 17 क्वेश्चन। और एक चीज और बता दूं गाइस, बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम भूल जाते हैं। देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता रही हूँ, सबसे प्यारा अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर केमिस्ट्री में हम तीनों पार्ट का कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको समझ में आ गया तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को मजा आएगा, उतना ही जल्दी आपको याद होगा। तो प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मार्कोनीकॉफ का नियम एवं डील सेल्डर अभिक्रिया को समझाइए। अलग अलग है मार्कोनीकॉफ एंड डील सेल्डर अभिक्रिया। एक्सप्लेन मार्कोनीकॉफ रूल एंड डील सेल्डर रिएक्शन। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, परोक्साइड प्रभाव से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय परोक्साइड इफेक्ट? ठीक है, 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एल्किल हैलाइड में वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द डिहाइड्रो हैलोजनेशन इन एल्किन हैलाइड, एल्किल हैलाइड विथ एग्जाम्पल। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, SN1 एंड SN2 अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड में E1 एंड E2 अभिक्रिया की क्रियाविधि बताइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 इन एल्किल हैलाइड। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, नाभिक इस नहीं एरोमेटिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। सो गाइस, ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc 2024 एग्जाम। आई होप आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।